साई की बात। बच्चे तुम तो मेरे हृदय के बहुत करीब हो, मेरे बच्चे तुम मेरे बहुत करीब हो, तुम मेरे बहुत खास बच्चे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो। तुम मुझसे दूर नहीं, तुम मेरे बहुत पास हो। और सुनो, जो तुम चाहते हो ना वो होगा मेरे बच्चे, वो ज़रूर होगा। बिल्कुल भी निराश मत होना, वो सब होगा जो तुम चाहते हो। बस थोड़ा सबूरी रखना होगा, सही समय आने पर वो तुम्हें सब मिल जाएगा जो तुम्हारा है मेरे बच्चे। बस थोड़ी सी सबूरी रखो, सही समय आने का इंतज़ार करो, तुम्हारा साईं है वो सब कर देगा। और कुछ बच्चों ने मुझे कुछ भेंट किया था, कुछ चीज़ जो वो मुझे देना चाहते थे, जो मुझे वो भेंट करना चाहते थे, तो मैंने उसे स्वीकार किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे, बहुत अच्छा लगा। बस इसी तरह से अपने साई से प्यार करते रहना, क्योंकि उन चीज़ों में, उन भेंटों में ना तुम्हारा प्यार, तुम्हारी भावनाएं होती हैं अपने साई के प्रति, जो मुझे बहुत भाती हैं। बस इसी तरह से अपने साई पर विश्वास करते रहना, मुझसे प्यार करते रहना, और इसके दुगना प्यार मैं तुम्हें करता रहूँगा मेरे बच्चे। और सुनो, अधर्म के रास्ते पर कभी मत चलना मेरे बच्चे, कभी मत चलना। चाहे मन में कितना भी लालच क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी भी अपने मन में लालच मत आने देना मेरे बच्चे। कभी भी गलत राह पे मत चलना। जब भी मन में ऐसा कोई ख्याल आए तो अपने साईं को याद कर लेना, तुम सही मार्ग पर आ जाओगे। और सुनो, जिसने तुम्हारा दिल दुखाया है ना मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कोई ऐसा है, कोई ऐसा अपना जिसने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, तुम्हें गलत सलत बोला, तुम्हें अपशब्द कहे ना, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारी कोई गलती ना होने के बावजूद दूसरों के भड़कावे में आके तुमसे गलत सलत कह दिया, तो मेरे बच्चे जाने दो। सही वक्त आने पर ना मैं सब कुछ देख लूँगा, तुम अपने साईं पर छोड़ दो। और सुनो, जब बात सीमा से ऊपर चली जाती है ना, तो तुम्हारा साईं अपने आप उन्हें दंड देता है जो मेरे बच्चों को परेशान करता है। तुम्हारी आँखों में मैं आंसू नहीं देख सकता, और जो तुम ये रोते हो ना, मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अब समय आ चुका है कि मैं उन लोगों को दंडित करूं। अब बस रुक जाओ मेरे बच्चे, कुछ दिन और, अब तुम देखना, तुमसे माफ़ी मांगेंगे, देखना मेरे बच्चे, उन्हें भी उनकी गलती का एहसास होगा, तुम देखना मेरे बच्चे, अब तुम बस देखते जाओ। और सुनो, याद करो उस सफ़र को मेरे बच्चे, जब तुम मुझसे जुड़े थे, तब से और आज तक का सफ़र याद करो। तुम्हारे अंदर कितना बदलाव आ चुका है, तुम्हें मेरी कितनी सारी लीलाएं, कितने सारे अनुभव मिल चुके हैं देखने को, और तुम मुझे कितना जान पाए हो। और तुम जानते हो, जब से तुम मेरे करीब आए हो, मुझसे जुड़े हो, तो तुम्हें कितने सारे बदलाव महसूस हुए हैं अपने अंदर। जब से तुम मुझसे जुड़े हो ना, तुम्हारे अंदर बहुत सारे बदलाव आए हैं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे। तुमने जिस तरह से अपने आप को संभाला है, बहुत सी चीज़ों पर अपने आप पर ध्यान देना शुरू किया है, और व्यर्थ की बातों से अपने आप को दूर रखा है ना, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। जो ये बदलाव है ना तुम्हारे अंदर, ये बहुत अच्छा है मेरे बच्चे। इसी तरीके से आगे बढ़ते चलो। लोग चाहते हैं कि तुम्हें फ़र्क पड़े, तुम परेशान हो, लेकिन तुम्हें अब फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है। यही तो मैं चाहता था तुम्हारे अंदर, कि तुम्हें फ़र्क पड़ना बंद हो जाए उन लोगों से, उन लोगों की बातों से। तुम ध्यान ना दो, तुम परेशान ना हो, बस मैं यही चाहता था, और वो तुम बन चुके हो, और तुम और भी मजबूत बनोगे, देखना मेरे बच्चे। तुम्हें मैं इतना मजबूत बनाऊंगा ना, कि तुम्हें आने वाले समय में और भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, और तुम अपनी मस्ती में मस्त रहोगे। और जब भी तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आए या कोई गलत सोच आए ना, तो उसी वक्त अपने साई को याद कर लेना, देखना सारी नकारात्मक सोच भाग जाएगी, बहुत दूर भाग जाएगी मेरे बच्चे। और सुनो, किसी भी वाद विवाद में पड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे, दूर रहना वाद विवाद से। अगर तुम लड़ोगे तो तुम ही गलत साबित किए जाओगे, तो तुम दूर रहना मेरे बच्चे। जितना हो सकता है ना, अपने रास्तों को अलग रखो, अपने रास्तों पर अलग चलो, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त करना है अपनी ज़िंदगी में। यूँ अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देना, खुश रहो, बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद है मेरा। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।